इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किसी भी स्प्लिट एयर कंडीशनर को वैक्यूम कैसे किया जाता है। तो वैक्यूम करने के काफ़ी फायदे होते हैं, जैसे कि पावर कंसम्पशन भी होता है और कूलिंग परफॉर्मेंस भी एसी का अच्छा हो जाता है, और जो कंप्रेशर और बाकी पार्ट्स हैं वो भी अच्छे समय तक चलते हैं और कंप्रेशर का नॉइज़ भी कम हो जाता है। तो जब भी वैक्यूम स्टार्ट करें, हमेशा ध्यान रखें कि जो चार्जिंग लाइन के अंदर रबड़ यूज़ होती है वो रबड़ कहीं से भी डैमेज ना हो, क्योंकि वैक्यूम करते समय बीच में प्रॉब्लम ना आए। तो वैक्यूम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चार्जिंग लाइन लेंगे हम दो, और एक वैक्यूम गेज लेंगे और एक वैक्यूम पंप लेंगे। तो एक तरफ वैक्यूम पंप से हमने चार्जिंग लाइन को कनेक्ट किया और गेज से कनेक्ट किया, दूसरी तरफ गेज से कनेक्ट करके दूसरी चार्जिंग लाइन को हमने एसी के सक्शन वाल्व से कनेक्ट किया। तो जब भी हम एसी को वैक्यूम करेंगे, अगर एसी इंस्टॉलेशन के बाद टाइम पर हम वैक्यूम कर रहे हैं तो हमें सर्विस वाल्व ओपन नहीं करना है, और अगर हम गैस चार्जिंग कर रहे हैं उस टाइम पर हम एसी को वैक्यूम कर रहे हैं तो हमें सर्विस वाल्व ओपन करना है, पूरे सिस्टम को वैक्यूम करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, एसी को स्टार्ट ना करें वैक्यूम करते समय। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमने वैक्यूम को स्टार्ट कर दिया है और वैक्यूम होना स्टार्ट हो गया है। तो हमेशा ध्यान रखें कि एसी को मिनिमम 10 से 15 मिनट और 25 से 30 मिनट तक वैक्यूम करें, जिससे कि जब भी एसी वैक्यूम हो तो एसी के अंदर जो भी बाहर के डस्ट पार्टिकल्स हैं, मॉइस्चर है, वो सब रिमूव हो जाए और एसी के अंदर प्योरली गैस हो, जिससे कि कूलिंग परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए और जो मैकेनिकल नॉइज़ है पार्ट्स की वो भी कम हो जाए, जैसे कि कंप्रेशर की गैस फ्लो नॉइज़ है वो भी कम हो जाए। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, पावर कंजप्शन भी इससे बहुत अच्छा होता है। तो वैक्यूम जब होता है तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपके पास नॉर्मल गेज है तो आपका जो नीडल है वो माइनस में -30 और -40 तक जाना चाहिए और -0.1 MPa तक वैक्यूम होना चाहिए। तो वैक्यूम कंप्लीट होने तक, अपने रेंज तक पहुंचने के बाद और टाइमलाइन भी क्रॉस होने के बाद हम वैक्यूम गेज को बंद कर देंगे और वैक्यूम पंप को भी बंद कर देंगे और 10 से 15 मिनट चेक करेंगे कि होल्ड करके वैक्यूम को, कि कहीं से वैक्यूम ब्रेक तो नहीं हुआ है, नीडल ऊपर तो नहीं उठा है। अगर नीडल अपनी जगह से मूव नहीं करती है, इट मीन्स कि कहीं से भी वैक्यूम का इशू नहीं है सिस्टम के अंदर और सिस्टम में अभी भी प्रॉपरली वैक्यूम क्रिएट हुआ है। तो उसके बाद हम गैस को ओपन कर सकते हैं, अगर हम इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं, और अगर हम गैस चार्जिंग के टाइम पर ये प्रोसेस कर रहे हैं तो गैस हम डालना स्टार्ट कर सकते हैं सिस्टम के अंदर। तो अब हमें क्या करना है, हमारा वैक्यूम हमने इंश्योर कर लिया कि प्रॉपर हो गया है। वैक्यूम इंश्योर करने के बाद अब सिस्टम से हमें गैस लीक टेस्ट लेना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो सर्विस वाल्व गेज हमने यूज़ किया है उसको एज इट इज़ क्लोज करके रख देंगे, और जो सर्विस वाल्व है एसी के आउटडोर पर, जिससे कि हम गैस को ओपन और क्लोज करते हैं एसी के पाइपिंग में, उसको ओपन करेंगे और सिस्टम के अंदर प्रेशर चेक करेंगे और लीकेज टेस्ट लेंगे। देखिए, एलन की मदद से हम सक्शन और डिस्चार्ज दोनों वाल्व के जो नट्स हैं उसको ओपन करेंगे और गैस का फ्लो सिस्टम के अंदर थोड़ा सा छोड़ देंगे, जिससे कि हम लीकेज का पता लगा सकें। तो इस तरह से धीरे धीरे थोड़ा सा गैस हम सिस्टम के अंदर छोड़ेंगे और चेक करेंगे, गेज के अंदर भी प्रेशर हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। तो जब प्रेशर गेज के अंदर आप देख रहे हैं कि आपको प्रॉपरली जीरो मिल जाता है, तो उसको निकाल लेना है और हमें ये प्रोसेस स्टार्ट करना है, गैस लीक टेस्ट प्रोसेस। तो अभी आपने देखा कि ये हमारा वैक्यूम का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से हम वैक्यूम सिस्टम के अंदर करते हैं। तो अब हम सिस्टम के अंदर गैस जब पूरी खोल देते हैं वैक्यूम होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद इंस्टॉलेशन के टाइम पर, या फिर गैस चार्जिंग के प्रोसेस में हम पूरी गैस सिस्टम के अंदर चार्ज कर देते हैं बाय वेट, तो वो ओपन करने के बाद दोनों वाल्व हम सिस्टम के अंदर गैस लीक टेस्ट लेंगे। अगर हमारे पास गैस लीक टेस्टर है तो हम गैस लीक टेस्टर की मदद से भी गैस को चेक कर सकते हैं, लीकेज को, कि कहीं से लीकेज तो नहीं है। और अगर हमारे पास गैस लीक टेस्टर नहीं है तो हम सोप सॉल्यूशन की मदद से जॉइंट्स पर और फ्लेट्स पर और वाल्व्स पर बबल क्रिएट करके चेक कर सकते हैं कि क्या सिस्टम के अंदर कोई भी लीक तो नहीं है।
तो देखिए हमारे अगर हमारे पास ये गैस लीक टेस्ट है, डिटेक्शन टेस्टर है, तो उससे हम गैस लीक टेस्ट करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे कि यहाँ से वाल्व से या जो भी जॉइंट्स हैं या जो भी फ्लेयर्स हैं वहाँ से कोई भी गैस लीकेज तो नहीं है। तो ये इंश्योर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी एसी को इंस्टॉल कर देते हैं और हमने गैस लीक टेस्ट नहीं लिया तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि कुछ टाइम बाद कहीं फ्लेड से लू या फिर कहीं भी जॉइंट से गैस लीकेज हो सकता है। तो प्रॉपरली इंश्योर करने के लिए हम हमेशा गैस लीक टेस्ट ज़रूर लेंगे, आइदर वो गैस लीक टेस्टर की मदद से हो सकता है या फिर सॉप सॉल्यूशन की मदद से हो सकता है। तो ये प्रोसेस था किसी भी स्प्लिट एयर कंडीशनर को वैक्यूम करने का। इस तरह से वैक्यूम करेंगे और सिस्टम में गैस प्रॉपरली चार्ज करेंगे। ऐसी और टेक्निकल वीडियोस के लिए वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन को टर्न ऑन करें। धन्यवाद।